दोस्तों ऑटो योगी में आपका स्वागत है। अगर आप ट्रैवल ज्यादा करते हैं, बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों से परेशान है और आप एक ज्यादा से ज्यादा माइलेज देने वाली एक अच्छी सीएनजी कार लेने की सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको 4 लाख से लेकर 10 लाख के अंदर इंडिया में आने वाली 7 ऐसी सीएनजी कार्स की डिटेल्स बताने जा रहा हूँ जो आपको 30 से लेकर 36 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे सकती है। आज हम इस वीडियो में इन सीएनजी कार्स की माइलेज से लेकर पावर, कीमत और फीचर्स जैसी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि हम 500 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब आ चुके हैं, इसलिए प्लीज हमें 500 सब्सक्राइबर्स तक जाने की मदद करें। दोस्तों 10 लाख के बजट के अंदर सीएनजी में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली हमारी पहली कार है टोयोटा ग्लांजा। ग्लांजा अभी मार्केट में बिकने वाली टोयोटा की इकलौती हैचबैक है। इंडिया में ये टोटल 9 वेरिएंट में आती है। इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों की ही ऑप्शन अवेलेबल है। सीएनजी वेरिएंट्स की बात करें तो इसकी सिर्फ एस और जी वेरिएंट कंपनी फिटेड सीएनजी किट के साथ आती है और ये 30 किलोमीटर पर केजी की माइलेज देती है। इसके अलावा ग्लांजा की पेट्रोल वेरिएंट्स भी 22 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज देती है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर की VVT इंजन दी गई है जो सीएनजी में 76 bhp और 98 Nm की टॉर्क देती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, पावर विंडो और कीलेस सेंट्रल लॉकिंग जैसी और भी बहुत सारी फीचर्स दी गई है। कीमत की बात करें तो ग्लांजा की सीएनजी वेरिएंट इंडिया में एक शोरूम 8.50 लाख से 9.53 लाख तक की आती है और इसकी दूसरे वेरिएंट की एक शोरूम कीमत शुरू होती है 6.71 लाख से, जो 10 लाख पे जाके खत्म होती है। इसके बाद 6 नंबर पे जो कार है वो है मारुति की स्विफ्ट। स्विफ्ट इंडिया में अपने स्पोर्टी लुक, परफॉर्मेंस और डिजाइन के लिए फेमस है। इसके अलावा स्विफ्ट पेट्रोल में 22 किलोमीटर पर लीटर की अच्छी खासी माइलेज निकाल के देती है और सीएनजी में तो और भी ज्यादा, यानी 31 किलोमीटर पर केजी की माइलेज देती है। इंजन की बात करें तो स्विफ्ट में मारुति की फेमस 1.2 लीटर डुअल जेट इंजन दी गई है जो पेट्रोल में 89 bhp और सीएनजी में 76 bhp की पावर देती है और ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन में आती है। स्विफ्ट इंडिया में LXi, VXi, ZXi और ZXi प्लस जैसी टोटल 11 वेरिएंट में आती है और इन सारे वेरिएंट में से सिर्फ 2 वेरिएंट में ही कंपनी फिटेड सीएनजी किट की ऑप्शन मिलती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, ABS, EBD और वॉइस कंट्रोल जैसी और भी बहुत सारी फीचर्स मिल जाती है। कीमत की बात करें तो स्विफ्ट की पेट्रोल वेरिएंट 5.99 लाख से 9.03 लाख की एक शोरूम में आती है और इसकी सीएनजी वेरिएंट 7.85 लाख से 8.53 लाख तक की आती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि स्विफ्ट खरीदने के लिए आपको ऑलमोस्ट 2 महीने तक वेट करना होगा, क्योंकि इसमें मोर देन 2 मंथ्स का वेटिंग पीरियड चालू है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार है मारुति सुजुकी की डिजायर। जी हाँ दोस्तों, डिजायर इंडिया में सीएनजी में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली सेडान में से एक है। ये सीएनजी में ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर पर केजी की माइलेज देती है। कीमत की बात करें तो इसकी सीएनजी वेरिएंट एक शोरूम दिल्ली के हिसाब से 8.39 लाख और 9.07 लाख की आती है। इंजन की बात करें तो इसमें भी सेम स्विफ्ट वाली 1.2 लीटर डुअल जेट इंजन दी गई है जो पेट्रोल में 89 bhp और 113 Nm की पावर देती है और यही इंजन सीएनजी में 76 bhp और 98 Nm की पावर देती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको पावर विंडो, कीलेस एंट्री, वॉइस कंट्रोल, ग्लव बॉक्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, डुअल टोन डैशबोर्ड, ABS, EVD, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और डुअल एयरबैग जैसी बहुत सारी फीचर्स मिल जाती है। इसके अलावा डिजायर पेट्रोल में भी अच्छी खासी माइलेज दे देती है। ये पेट्रोल में 22 से लेकर 23 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है और इसकी पेट्रोल वेरिएंट 6.51 लाख से 9.39 लाख की एक शोरूम दिल्ली में आती है। दोस्तों अगर आपको सीएनजी में कोई सेडान कार चाहिए तो आप डिजायर की तरफ जा सकते हैं। फोर्थ नंबर पे जो सीएनजी कार है वो है सुजुकी की एस्प्रेसो। एस्प्रेसो सुजुकी की एंट्री लेवल माइक्रो SUV है। इंजन की बात करें तो ये सुजुकी की K10 इंजन के साथ आती है और ये 66 bhp और 82 Nm की पावर देती है। इंडिया में अभी ये टोटल 8 वेरिएंट में आती है, जिनमें से LXi और VXi वेरिएंट कंपनी फिटेड सीएनजी किट के साथ आती है। माइलेज की बात करें तो एस्प्रेसो की सीएनजी वेरिएंट 32 से लेकर 33 किलोमीटर पर केजी की माइलेज देती है और इसकी पेट्रोल वेरिएंट 24 से लेकर 26 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। इसकी सीएनजी वेरिएंट इंडिया में एक शोरूम 5.92 लाख और 6.12 लाख से शुरू होती है और पेट्रोल वेरिएंट्स की एक शोरूम कीमत 4.26 लाख से 6.05 लाख तक जाती है।
फीचर्स में इसमें पावर स्टेयरिंग, मैनुअल एसी, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फ्रंट पावर विंडो जैसी फीचर्स ही दी गई है। कुल मिला के अगर आपका बजट 5 लाख से 6 लाख के अंदर है और आप इस प्राइस रेंज के अंदर एक CNG कार लेने की सोच रहे हैं तो आप डेफिनेटली एस्प्रेसो के साथ जा सकते हैं। इसके बाद हमारे टॉप 3 में तीसरे नंबर पे जो CNG कार है वो है ऑल्टो K10। जी हाँ दोस्तों, ऑल्टो K10 भी सुजुकी की ओर से कंपनी फिटेड CNG किट के साथ आती है। इसके सिर्फ BXI वेरिएंट में ही CNG किट दी गई है। इंजन की बात करें तो इसमें 1 लीटर की K10C इंजन दी गई है जो 55 BHP और 82 NM की पावर देती है। माइलेज की बात करें तो ऑल्टो K10 CNG में ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर/kg की माइलेज देती है। इसके अलावा पेट्रोल में भी ये 26 किलोमीटर/L की माइलेज दे देती है। वेरिएंट की बात करें तो ये पेट्रोल में 6 और CNG में सिर्फ 1 वेरिएंट में आती है। इसके अलावा ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन में आती है। फीचर्स की बात करें तो ऑल्टो में आपको ABS, फ्रंट पावर विंडो, डुअल एयरबैग, पावर स्टीयरिंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, सेंट्रल लॉकिंग और चाइल्ड सेफ्टी लॉक जैसी इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाती है। ऑल्टो K10 इंडिया में एक शोरूम 3.99 लाख से 5.96 लाख की आती है और इसके CNG वेरिएंट के लिए आपको एक शोरूम दिल्ली 5.96 लाख देनी होगी। दोस्तों, अगर आप एक कॉम्पैक्ट और भरोसेमंद CNG कार लेना चाहते हैं जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो तो आप ऑल्टो K10 के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट के सेकेंड कार है हर इंडियन की पहली चॉइस यानी मारुति सुजुकी वैगनर। वैगनर CNG में दो वेरिएंट में आती है, एक LXI और दूसरी VXI CNG। इंजन की बात करें तो इसमें ऐसे तो पेट्रोल वेरिएंट में 1.2 लीटर K12 इंजन दी जाती है लेकिन इसकी CNG वेरिएंट इससे कम पावरफुल यानी K10C इंजन के साथ आती है जो ऑल्टो K10 में दी जाती है। पावर की बात करें तो ये 53 BHP और 82 NM की पावर देती है लेकिन ये इंजन CNG में ऑल्टो से थोड़ी ज्यादा माइलेज देती है। वैगनर पेट्रोल में 24.5 किलोमीटर/L की माइलेज देती है और CNG में ऑलमोस्ट 34-35 किलोमीटर/kg की माइलेज दे देती है और ये ARAI के द्वारा क्लेम माइलेज है। कीमत की बात करें तो वैगनर की CNG वेरिएंट्स 6.45 लाख और 6.89 लाख की एक शोरूम कीमत में आती है और इसकी पेट्रोल वेरिएंट्स 5.54 लाख से 7.42 लाख की आती है। वैगनर पेट्रोल में टोटल 9 वेरिएंट में आती है जिनमें से 4 ऑटोमेटिक और 5 मैनुअल है। इसके अलावा ये CNG में सिर्फ 2 वेरिएंट में ही आती है। अगर आपको कम कीमत में एक अच्छी लुक, डिजाइन और स्पेस वाली कार चाहिए तो आप वैगनर के तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, फाइनली इस लिस्ट की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार है सिलेरियो। ये पेट्रोल में 26 किलोमीटर/L की माइलेज तो देती है लेकिन ये CNG में इंडिया में सबसे ज्यादा 35-36 किलोमीटर/kg की माइलेज दे देती है। इंजन की बात करें तो इसमें 998 cc की K10 इंजन दी गई है जो 56 BHP और 82 NM की टॉर्क देती है। ये इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन में अवेलेबल है लेकिन CNG में ये सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आती है। इंडिया में ये टोटल 8 वेरिएंट्स में आती है जिनमें से सिर्फ VXI वेरिएंट में ही कंपनी फिटेड CNG किट दी गई है। फीचर्स की बात करें तो इसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ABS, EBD, डुअल एयरबैग और सिंगल जोन AC जैसी बहुत सारी फीचर्स मिल जाती है। कीमत की बात करें तो सिलेरियो इंडिया में 5.37 लाख से 7.14 लाख की एक शोरूम कीमत में आती है और इसके CNG वेरिएंट लेने के लिए आपको 6.74 लाख एक शोरूम देनी होगी। तो दोस्तों, ये थी इंडिया में 5 लाख से लेकर 10 लाख के अंदर आने वाली टॉप 7 CNG कार्स। आपको इनमें से कौन सी कार अच्छी लगी हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप चाहे तो हमारे इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।